तो दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों ने व्हाइट टाइगर के बारे में सुना और उन्हें देखा तो जरूर होगा, लेकिन क्या कभी आपने ब्लैक टाइगर के बारे में सुना है? दरअसल अभी हाल फिलहाल में एक IFS ऑफिसर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें हम एक ब्लैक टाइगर को देख सकते हैं जो कि शायद अपने इलाके की मार्किंग कर रहा है। तो आखिरकार पूरा माजरा है क्या? क्या ब्लैक टाइगर सच में होते हैं? और अगर ब्लैक टाइगर्स के होने की बात सच है तो फिर आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ये कहानी शुरू होती है साल 1773 से, जब जेम्स फोर्ब्स नाम के एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग की खास बात ये थी कि इसमें एक ऐसा टाइगर दिखाया गया था जो कि आम टाइगर से अलग काले रंग का था। फिर इसके बाद वक्त बीतने लगा और कई लोगों ने ऐसे ही रहस्यमय टाइगर को देखने का दावा किया जिसका रंग काला था। इसके आगे 20वीं सेंचुरी में भी भारत, चाइना, वियतनाम और कई और देशों में ब्लैक टाइगर्स को देखने की बात कही गई, पर ज्यादातर लोगों ने इन सभी की बातों को भ्रम और कल्पना ही माना। लेकिन फिर साल 1992 में दिल्ली में एक स्मगलर को पकड़ा गया, जिसके पास से एक ऐसे टाइगर की खाल बरामद की गई जिसका रंग काला था। पर इसके बाद भी बहुत से लोगों ने इस बात को नहीं माना कि कोई टाइगर काला भी हो सकता है। लेकिन फिर साल 2007 में कुछ बहुत ही खास देखा गया। दरअसल इस समय उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर एक ब्लैक टाइगर को देखा गया, और इसके बाद तो पूरी दुनिया जान गई कि हाँ, ब्लैक टाइगर्स केवल किस्से और कहानियों में ही नहीं है, बल्कि ये तो असलियत में भी होते हैं। वैसे एक बात ये भी है कि आज तक जंगलों में जितने भी ब्लैक टाइगर्स को देखा गया है, वो सब के सब केवल सिमलीपाल में ही थे। यानी कि आज तक सिमलीपाल के जंगलों के अलावा और कहीं भी ब्लैक टाइगर्स को देखा नहीं गया है। हम अगर जू की बात करें तो चेन्नई के एरिग्नर जू, भुवनेश्वर के नंदाकनन जू और रांची के भगवान बिसरा बायोलॉजिकल पार्क में भी ब्लैक टाइगर्स मौजूद हैं। वैसे ब्लैक टाइगर्स में ऐसा नहीं होता है कि उनका पूरा शरीर ही काला होता है, बस उनमें तो जो उनकी काली धारियां होती है वो बहुत ही गाढ़ी होती है। और जब भी कोई जानवर किसी म्यूटेशन के वजह से काले हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर, तो हम इस चीज को मेलेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये काला रंग मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट के ज्यादा होने की वजह से ही होता है। पर क्योंकि ब्लैक टाइगर्स पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, तो इस चीज को हम स्यूडो मेलेनिज्म कहते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ब्लैक टाइगर्स आम टाइगर्स ही होते हैं, और ये काला रंग इन्हें अपने शरीर में मेलेनिन के ज्यादा होने की वजह से मिलता है। लेकिन अब दूसरा सवाल तो ये आता है कि ब्लैक टाइगर्स केवल सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही क्यों पाए जाते हैं? तो एक्सपर्ट्स तो इसके पीछे बहुत से कारणों को बताते हैं। इनमें से पहला तो ये है कि उड़ीसा का सिमलीपाल बहुत ही घना जंगल है और यहाँ ज्यादातर समय अंधेरा कायम रहता है, तो बस इससे ब्लैक टाइगर्स के लिए यहाँ शिकार करने में एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि ये अपने शिकार को आसानी से नजर ही नहीं आते हैं, और जब तक ये नजर आते हैं तब तक शिकार कुछ देखने के लायक ही नहीं बचता है। और दूसरा कारण तो ये भी है कि सिमलीपाल बाकी के सभी टाइगर रिजर्व या जंगलों से बहुत कटा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ के टाइगर्स को दूसरे टाइगर से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से इनमें इनब्रीडिंग होने लगी है, और यही वो वजह भी है कि यहाँ के लगभग सभी टाइगर्स में ब्लैक टाइगर के जीन्स आ चुके हैं। और जैसे जैसे यहाँ टाइगर्स की जनरेशन आगे बढ़ेगी, हमें ये गुण बढ़ते हुए ही दिखेगा, क्योंकि ये यहाँ के टाइगर्स के लिए फायदेमंद है। तो बस यही था ब्लैक टाइगर्स के पीछे का रहस्य। और अगर आपको एक इंडियन ब्लैक पैंथर की कहानी देखनी है तो इस वीडियो पे क्लिक करिए।